आपका भाई? मैं नीचे ही आपकी राह देख रही थी। आपने कुछ नहीं खाया होगा ना? मैं आपके लिए खाना गर्म करके ले आती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं। आपने ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया है। ये कपड़े हैं ना, मैंने निकाल दिए। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आप दूसरों की मदद कीजिए। नैतिक, ये क्या है नैतिक? प्लीज, आप मुझसे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझसे बात तो कीजिए। बात नहीं करेंगे ना तो गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी। एक गलती हो गई कि मैंने आपको नंदनी दीदी और मोहित के बारे में नहीं बताया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके किसी भी बात पे भरोसा नहीं रहा। हट जाइए। नैतिक, मैं आपसे एक बार सब कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। आपने जो कहा, मैंने हर कोई काम उसी के मुताबिक किया है। मुझे कितना भ्रम में रखेंगी आप? सब जानता हूँ मैं। आप वही करती चली जा रही है जो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नैतिक, आप हेलो जमाई साहब, माफ कीजिएगा, देर से फोन कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं दादू, अक्षय यही है, लीजिए बात कीजिए। अरे नहीं जमाई साहब, मुझे आपसे बात करनी है। अक्षरा से हेलो 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 दादू, वो नैतिक अभी अभी ऑफिस से आए हैं ना, तो चेंज करने गए हैं। तो जैसे ही आएंगे ना, मैं आपकी बात करवा देती हूँ। वैसे घर में सब ठीक है ना? हाँ अक्षरा, घर में सब कुछ ठीक है। आज मैं भी ऑफिस में बहुत बिजी था, नैतिक जी से बात ही नहीं हो पाई, तो अभी अभी ऑफिस से लौटा हूँ। सोचा कि सबसे पहले अपने जमाई साहब से बात कर लूँ। तुम लोग आ रहे हो ना? कहाँ? हवन के लिए, और कहाँ। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है कि हम लोग डिनर पे जाएंगे, मैं, वर्षा और तुम दोनों। अब तुम दोनों आ रहे हो तो थोड़ा वक्त साथ में गुजारेंगे, मजा आएगा, है कि नहीं? पर हवन कब है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि कल माँ ने ग्रह शांति के लिए हवन रखवाया है? नहीं। माँ ने गायत्री आंटी से बात की तो थी, पूरे घर को इनवाइट किया है, उन्होंने बताया नहीं? नहीं, अब वो घर में मेहमान आए हैं ना, इसीलिए शायद काम के चक्कर में बता ही नहीं पाई। लेकिन दादू, हम वैसे भी नहीं आ पाएंगे हवन में। क्यों? गायत्री आंटी तो कह रही थी कि तुम कल आ रही हो। अच्छा ठीक है, कल तुम दोनों हवन से पहले आ जाना, फिर हम लोग आराम से बैठकर डिनर प्लान करेंगे, ठीक है? बाय। दादू, आप दादू से बात कर लेते तो अच्छा होता। वो आपको... मुझे कोई बात नहीं करनी, किसी से नहीं। क्या हम इस बात को यहीं खत्म नहीं कर सकते हैं आज? हमें इसे बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, जाने अनजाने में मैंने सबका दिल दुखाया है। शायद आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपको अपनी पूरी बात समझा सकूं। जो भी हुआ उसके लिए मैं... जब आपको यही लग रहा है कि मैं पूरी बात समझ नहीं पाया हूं, तो आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? माफी तो तभी मांगी जाती है ना, जब अपनी गलती पे पछतावा हो, और ये आपको नहीं है अक्षरा। जी है नैतिक। नहीं अक्षरा, अगर आपको जरा सा भी पछतावा होता तो आप मोहित और दीदी की फिर से बात नहीं करवाती। लेकिन नैतिक, से हमारी शादी हुई है तब से मैं आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा हूं, ये सोचकर कि ये घर आपके लिए नया है, परिवार आपके लिए नया है। छोटी छोटी बातों पर मां को नाराज करना, हर दूसरे दिन बिन बताए अपने मायके चले जाना, अपनी गलतियों से दादाजी को दुख पहुंचाना, ये तो हद ही होगी ना अक्षरा। आपने कैसे सोच लिया कि हमारी पीठ पीछे आप दीदी और मोहित के प्यार को बढ़ावा देंगी? आपके परिवार में आपके भाई आपके दोस्त के साथ शादी कर सकते होंगे, पर ये सब हमारे घर में नहीं हो सकता। नैतिक, मैं सिर्फ नंदिनी दीदी और मोहित का साथ दे रही थी, उनकी खुशी एक दूसरे में है। मैं परिवार से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी, मैंने आपसे भी बताने की कोशिश की थी। और कितनी बहस करेंगी आप? आपको अपनी गलती नजर नहीं आती? ओह, मैं तो भूल गया, आप तो शादी से पहले भी ऐसी थी ना, पहली मुलाकात में ही आप लड़ पड़ी थी। मैं तो सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। मामा जी सही कहते हैं, आपके घर के रीत रिवाज रंग ढंग बहुत अलग है। अगर हमने उस वक्त शादी करने से पहले सोचा होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या कह रहे हैं नैतिक? आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। मैं मानती हूँ मुझसे गलतियां हुई होंगी, पर मैंने हर बार उन्हें सुधारने की कोशिश की है। मैंने कभी किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया। ऐसे इंसाफ लगाने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती कि मुझे क्यों बार बार भागी जाना पड़ रहा था। आप भी मुझे नहीं समझ पा रहे थे, मुझे कोई नहीं समझ, मैं हार गई हूँ। अगर आपको अभी तक यही लग रहा है कि मैं समझ नहीं पाया, और अगर आपको इस घर में इतना ही दुख है, तो आप अपने घर वापस लौट जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? दुनिया में कितनी लड़कियां अपने ससुराल में खुश रहती हैं, लेकिन आपका यहाँ पे दिल नहीं लगता। बहुत मुश्किल से यहाँ रह रही है ना, तो ठीक है, जाइए वहीं रहिए, कोई आपको बुलाने नहीं आएगा। यहाँ पर रहकर दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आपसे यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा। आप जाएंगी तो यहाँ पे कम से कम शांति तो रहेगी। आपके घर के रीत रिवाज रंग ढंग बहुत अलग है। अगर हमने उस वक्त शादी करने से पहले सोचा होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अगर आपको इस घर में इतना ही दुख है तो आप अपने घर वापस लौट जाए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप जाएंगी तो यहाँ पे कम से कम शांति तो रहेगी। मैं तो सिर्फ नंदिनी दीदी और मोहित का साथ दे रही थी कि खुशी एक दूसरे में है। वो हम लोग ना शौर्य दादू और वर्षा के साथ घर पर हैं। इसे हमेशा पहने रहिएगा, मेरे प्यार की निशानी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। बाईस से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के दो नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए दो नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।